अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जिस सोसाइटी का रिव्यू करने वाले हैं वो इंजीनियर्स टाउन है। अगर आप फिरोजपुर रोड से काने वाली साइड पे आते हैं, जो डिफेंस रोड है उसके ऊपर आप काने काची का एक फ्लाईओवर आएगा, उससे आगे अगर आप आते हैं तो आगे आपको उतरते ही राइट साइड पे इंजीनियर्स टाउन मिल जाता है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको अच्छी सिक्योरिटी नजर आती है और रोड्स भी ठीक हैं, सारी डेवलपमेंट है, गार्डनिंग का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। ये सोसाइटी अच्छी खासी बड़ी सोसाइटी है, इसमें हर ब्लॉक में आगे सब ब्लॉक्स हैं, जैसे A1, A2, A3 और इस तरह तकरीबन 20-25 ब्लॉक्स इस सोसाइटी में बन जाते हैं। इसका दूसरे गेट्स जो हैं वो एक टाउनशिप वाली साइड पर भी निकलता है, दूसरा रायमंड रोड वाली साइड पर भी निकलता है, इधर से डिफेंस रोड पर भी निकलता है, तो ये मेन हब का काम भी यहाँ पे कर रही है। जैसे ही आप सोसाइटी में एंटर होते हैं आपको लेफ्ट साइड पे पहले एक स्कूल नजर आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। हर ब्लॉक में तकरीबन 1-2 इन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स दिए गए हैं। बिजली की बात करें तो यहाँ पे जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम नहीं है, खंभे ही हैं, तारे मतलब बाहर ही हैं, लेकिन ब्लॉक्स को साफ सुथरा काफी रखा गया है। कंस्ट्रक्शन काफी तेज तो नहीं कह सकते लेकिन हो रही है। रोड्स बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में ठीक है, और साइड के रोड्स जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये सोसाइटी तकरीबन 2008 से मतलब बनी हुई है और इसमें रोड्स तब भी शायद बने थे, उसके बाद नहीं बनाए गए। रोड्स काफी टूटे हुए मुझे मिले हैं, स्टार्टिंग के रोड्स भी कुछ ठीक हैं लेकिन जो बाकी रोड्स हैं वो काफी टूटे हुए मुझे मिले हैं, क्योंकि काफी लोगों की रहायश यहाँ पे होगी तो मार्केट भी यहाँ पे अच्छी होगी। उसके अलावा टैग लाइन्स मुझे हर जगह पे नजर आई हैं, जैसे आप अंदर एंटर होते हैं तो आगे आपको टैग्स नजर आते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, उसके बाद आगे आपको एक राउंड अबाउट मिलता है जो कि मेन इनका राउंड अबाउट है, वहां से सारे ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। गार्डनिंग का इंतजाम अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, मुझे उस तरह से इंतजाम यहाँ पे नजर नहीं आया जिस तरह होना चाहिए। एक और चीज जो मुझे काफी मजे की लगी है वो ये कि यहाँ पे जो दरख्त है उनके ऊपर बड़ी एक ना प्यारा सा इन्होंने वो कलर दिया गया, ये देखें जरा। और ये जो है ये यहाँ की कह लें फूड स्ट्रीट है, काफी शॉप्स हैं ये क्योंकि एक राउंड अबाउट है तो यहाँ पे काफी शॉप्स भी दी गई हैं। उसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी है वो यहाँ पे पार्क्स हैं। यहाँ पे तकरीबन आपको 20 से 25 पार्क्स मिलेंगे, जिसमें 10 बड़े पार्क हैं और तकरीबन 20 छोटे पार्क्स आपको मिलते हैं, जो कि हर एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी और शानदार चीज़ है। जो मेन जिस चीज़ से मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ वो यहाँ पे रोड्स हैं। रोड्स क्योंकि मेन चीज़ होती है हर सोसाइटी में, कुछ प्लेइंग एरियाज भी मिलते हैं जिसमें आप कोई भी फुटबॉल या क्रिकेट खेल सकते हैं। 2 से 3 मस्जिदें मैं देख चुका हूँ वो यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, लेकिन 2-3 मस्जिदें अभी अंडर डेवलपिंग है, लेकिन बहुत शानदार किस्म की मस्जिदें बनाई जा रही हैं। एक और चीज़ जो बहुत मजे की मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पे छोटे प्लॉट्स नहीं है, यहाँ पे 3 और 5 मरले के प्लॉट्स आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, यहाँ पे कम अज कम आप 10 मरले का प्लॉट ही ले सकते हैं और 10 मरला, फिर 1 कनाल, फिर 2 कनाल और इस तरह फर्दर आप प्लॉट्स ले सकते हैं, छोटे प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और प्राइजेस की बात करें तो जो 10 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन आपको 10 मिलियन के करीब यानी 1 करोड़ का मिलता है, जो 1 कनाल का वो आपको 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक मिल जाता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, और जो 2 कनाल का है वो आपको तकरीबन 3 से 4 करोड़ के दरमियान अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपको 1-2 बैंक नजर आते हैं और वहाँ पे आपको ATM की भी फैसिलिटी मिल जाती है। सोसाइटी अभी अंडर डेवलपिंग है लेकिन बहुत पुरानी सोसाइटी है, तो इसमें जो ज्यादा लोगों का रश आपको नजर आएगा वो वही लोग होंगे जो टाउनशिप में जिन्होंने जाना है या जिन्होंने रायमंड रोड पे निकलना है, वो इस सोसाइटी को एज अ मीडियम यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पाकर अब सोसाइटी में भी आपको बताया था। तो अगर इस सोसाइटी की ओवरऑल बात करें तो इस सोसाइटी में जो अच्छी चीजें हैं वो ये हैं कि इस सोसाइटी में रोड्स बहुत खुले हैं, आपको मेन रोड तकरीबन 150 या 200 फीट का मिलता है, उसके अलावा छोटे से छोटा रोड भी आपको 60 फीट का तो जरूर मिलेगा। उसके अलावा छोटे आपको घर नहीं मिलते, बड़े बड़े घर मिलते हैं जो कि काफी इन्वायरमेंट जिसकी वजह से बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा ये सोसाइटी LDS अप्रूव्ड नहीं है, कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो LDS अप्रूव्ड हैं, बाकी जो LDS अप्रूव्ड वो नहीं है। यहाँ पे आपको बड़े दरख्त बहुत बड़ी क्वांटिटी में नजर आते हैं जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा कूल रखते हैं गर्मियों में, और एक बड़ा शानदार व्यू आपको नजर आता है। तो गाइज ये एक छोटा सा रिव्यू था इस सोसाइटी पे, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप इसके सोसाइटी के बारे में बताना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि इस सोसाइटी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, मैं कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं रिप्लाई भी कर सकूं। उसके अलावा कोई आइडिया मुझे देना चाह रहे हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग। इंशाल्लाह इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।